नमस्कार एसबीटी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आभा और पेश है इस वक्त की खास खबर। क्या राजस्थान की 31 पहाड़ियों को हनुमान जी उठाकर ले गए? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब देना खान मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की नैतिक जिम्मेदारी। इससे पहले आरोपों की दुनाली उनकी ओर उठे, टीटी स्पष्ट करे स्थिति। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राजस्थान में अवैध खनन का मुद्दा व्यापक चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि अरावली क्षेत्र में 31 पहाड़ियां गायब हो गई है। क्या इन पहाड़ियों को हनुमान जी उठाकर ले गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, जिसका जवाब देने की जितनी कानूनी जिम्मेदारी राज्य सरकार और खान विभाग की है, उससे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी खान राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की है। टीटी ने जब से खान विभाग में मंत्री का उत्तरदायित्व संभाला है, तब से वे विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने के दावे करते आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका क्या रुख है, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। राज्य में अवैध खनन का मुद्दा हमेशा उठता है। साल भर पहले खान विभाग का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ चुका है, इसके बावजूद अवैध खनन रुका हो ये कोई नहीं कह सकता। माना जाता है कि जितनी कमाई राज्य में तमाम अन्य तरीकों से होती है, उससे कई गुना कमाई अवैध खनन के कारोबार से होती है। राज्य में सभी चुनाव अवैध खनन की कमाई से ही लड़े जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 18 घंटे के भीतर अरावली पहाड़ियों के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन बंद करने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती इस बात को जाहिर कर रही है कि खनन माफिया ने राजस्थान के अरावली क्षेत्र को जमकर लूटा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश खनन माफिया, नेता और अफसरों के गठजोड़ पर करारा तमाचा है। इस मुद्दे पर अब राजस्थान में राजनीतिक माहौल गर्म हो जाने का अंदेशा है, क्योंकि 7 दिसंबर को राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मुद्दा भी गर्म हो जाएगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, ये तो तय है। खान विभाग में सरकार का मतलब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि राजस्थान सरकार ने इस मामले को बहुत ही हल्के ढंग से लिया है। यानी खान विभाग के संबंध में देखा जाए तो वहां सरकार का मतलब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ही है। दरअसल केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट से राजस्थान में 31 पहाड़ियां गायब हो जाने का पता चला है। इस समिति ने प्रदेश के 128 नमूने लिए थे, जिनमें से अरावली इलाके में 31 पहाड़ियां गायब बताई गई है। तो इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।